मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज मैं आपको क्या करने वाली हूँ पता है? स्टोरी सुनाने वाली हूँ। आपको पसंद है ना स्टोरी सुनना? तो आज हम स्टोरी सुनेंगे, ठीक है? तो मैंने इधर पिक्चर ड्रॉ किया है, आपको दिखाई दे रहा है क्या है? तो एक ट्री ड्रॉ किया है, एक हाउस है, ये क्या है? चूहे है, देखे नहीं है? ये बड़ा वाला है, कितने सारे है ना। तो मैं उसके बारे में आज आपको स्टोरी सुनाऊंगी, ठीक है? तो एक बहुत सुंदर गांव था, उसमें जो लोग रहते थे वो बहुत सुखी थे। पर थोड़े दिनों के बाद क्या हुआ पता है? उनके घरों में बहुत चूहे आ गए। जिधर भी देखो वहां चूहे ही चूहे, गांव में चूहे, घर में चूहे। घर में आप जिधर भी देखो, कबाट में चूहे, किचन में चूहे, फिर वो घर का आंगन होता है ना, आंगन में चूहे, फिर उनकी जो बैग होती है ना, उन्हें भी चूहे। जिधर भी देखो उधर चूहे ही चूहे। जब भी वो लोग खाना खाने बैठे तब भी चूहे बस ऐसे ऐसे भाग रहे होते। फिर वो लोग बहुत हैरान परेशान हो गए थे कि चूहों का करे क्या, वो सो जाए तब भी चूहे आ जाते थे। वो लोग बहुत परेशान हो गए। उनकी जो घर पे होती है ना कांच की जार होती है ना, तो वो गिरा देते थे। फिर जो कागज होते हैं ना वो काट लेते थे। फिर कपड़े होते हैं उसे भी काट लेते थे। बस ऐसा उनको बहुत हैरान परेशान कर दिया था इन चूहों ने। आपको पता है ना, चूहा तो आपने देखा होगा क्या करता है, आपके घर पे भी कभी कभी आ जाए तो क्या करता है, काटने लगता है। आपकी बुक्स हो, फिर आपके कपड़े हो, करता है ना। तो फिर वो बहुत परेशान हो गए थे। वो सोचते थे अब इन चूहों का करे क्या। तो एक दिन उनके गांव में एक बांसुरी वाला आया। आपको दिखाई दे सकते बांसुरी वाला, उनके गांव में एक बार बांसुरी वाला आता है। फिर वो लोग उससे कहते थे कि हमारे गांव में बहुत सारे चूहे थे, तो इसको भगा दो। तो वो बोलता है मैं इसको तो भगा दूंगा, पर आप मुझे उसके बदले में दोगे क्या। वो ये बोल रहा है कि मैं चूहों को तो भगा दूं, पर आप उसके बदले में मुझे कुछ दोगे ना। तो गांव वाले बोलते हैं हाँ, तू जो भी कहेगा वो हम आपको देंगे। तो फिर वो बोलता है ठीक है मैं 1000 रुपीज लूंगा। कितना लूंगा? 1000 रुपीज लूंगा, तो ही मैं आपके चूहों को के भगा दूंगा। तो गांव वाले मान जाते क्योंकि वो उनसे बहुत परेशान हो गए थे चूहों से। तो क्योंकि चूहा तो उन्हें कितना परेशान करते थे, जिधर भी देखो उन्हें चूहे दिखाई दे रहे थे। तो फिर बांसुरी वाला क्या करता है पता है? गांव के बीचों बीच खड़ा हो जाता है और फिर अपनी बांसुरी से बांसुरी बजाने लगता है। बहुत सुंदर सुर बजाता है, सुर बजाने लगता है। और फिर क्या करते हैं चूहे तो बस खुश हो जाते हैं। जिधर भी चूहे थे, घर में, बैग में, कबाट में, किचन में, सब जगह से चूहे क्या करते भागकर जो बांसुरी वाला बजाता था ना उधर आ जाते। फिर बांसुरी वाला क्या करता है पता है? वो गांव में नदी थी तो वो क्या करता है, जो नदी थी ना उस तरफ चलने लगता है। तो वो धीरे 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 चल के जो नदी थी ना उस पानी में चलने लगता है। फिर चूहे क्या कर रहे थे, उसे तो बांसुरी का धुन बहुत पसंद आ गई थी, तो वो भी जो बांसुरी वाला था ना उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। और उन्होंने तो चूहों ने भी देखा भी नहीं कि नीचे नदी में क्या है, पानी है कि नहीं है, कुछ भी नहीं। वो भी नदी में जा गिरते। तो फिर क्या होता है, सब चूहे नदी में गिर गए और मर गए। फिर वो बांसुरी वाला आता है, वो बोलता है लाओ मुझे मेरे पैसे दो। तो गांव वाले क्या बोलते हैं, नहीं के चूहे मारने के थोड़े पैसे होते। क्या बोलते, चूहे मारने के थोड़े 1000 रुपीज होते हैं, ये तो बस हंसी की बात है, ऐसा बोलते। तो फिर ये बांसुरी वाला क्या करता है पता है? वो कहता है ठीक है तो मैं आपको देख लूंगा, आप सबको, आपने मुझे मेरे पैसे नहीं दिए ना तो मैं भी देख लेता हूँ। फिर वो क्या करता है पता है? फिर से वो बीच में खड़ा हो जाते गाँव के बीचों बीच और अपनी बांसुरी से बहुत अच्छी सुंदर धुन बजाने लगता है। तो फिर क्या होता है, अब तो जो घर में बच्चे थे ना सारे घरों से बच्चे क्या करते,
ये जब जिधर सुर सुनाई देता था ना उधर उसके पीछे आने लगते हैं। फिर बांसुरी वाला क्या करता है, तो बांसुरी वाला धीरे धीरे चल के नदी की तरफ आने लगता है। तो फिर गांव वाले सोचने लगते हैं, अरे वो चूहे तो अंदर डूब के मर गए, हमारे बच्चे भी अंदर डूब गए। तो फिर जब वो नदी के पास आ ही जाता है बांसुरी वाले, तब गांव के वाले लोग आते हैं, उसे कहते हैं भाई रुक जा, हम तुझे तेरे पैसे देते हैं, तू पैसे ले ले पर हमारे बच्चों को छोड़ दे। इस तरह क्या होता है, बच्चे छूट जाते हैं। इसका मतलब क्या है पता है आपको, स्टोरी से क्या सीख मिलती है, मोरल क्या मिलता है? तो इसका मतलब ये है, आप किसी को कोई भी वादा करो, मतलब प्रॉमिस करो, तो फिर उसे क्या करना होता है, पूरा करना होता है। ऐसा नहीं होता कि आपने किसी को बोल दिया कि मैं आपका एक काम कर दूंगा फिर आप मुकर जाओगे, नहीं, ये तो मुझसे नहीं हो पाया, ऐसा नहीं करना होता है। इससे हमें यह सीख मिलती है, जो भी आप किसी से प्रॉमिस करो या वादा करो तो उसे आपको पूरा करना होता है। ठीक है, आपको मजा आया ना स्टोरी सुनने में? ठीक है, चलो बाय बाय।